नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या एयर इंडिया, रेलवे, खेती, किसानी, एफसीआई सब कुछ मोदी सरकार बेच रही है? ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, यूं तो वो 3 कृषि कानून को वापस लेने को लेकर कर रहे हैं, लेकिन उसके तह में गहराई में जाएंगे तो उनका आरोप यही है कि खेत और खेती सब कुछ निजी हाथों में देने की तैयारी है, किसान एक बदुआ मजदूर बन जाएगा। लड़ाई बड़ी लंबी चल रही है, 25 नवंबर से लेकर आज तक कड़ाके की ठंड में किसान बॉर्डर पर डेरा डाले जमे बैठे हैं और अब ये सब कुछ पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। रेलवे सभी ट्रेनें नहीं चला रहा है, कुछ ही ट्रेनें चला रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि सब कुछ तैयारी चल रही है निजीकरण करने की और निजी हाथों में बेचने की। इसी बीच कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक फेसबुक पोस्ट डाला और उसमें उन्होंने लिखा कि जिस रेलवे को भारतीयों ने जो है अपनी इतनी कड़ी मेहनत से बनाया, उसको जो है सरकार अपने एक निजी मित्र को दे रही है, ठप्पा लगवा दिया गया है और उसके साथ जो रेल एक इंजन है उस पर अडानी विल्वर का लिमिटेड का जो है विज्ञापन भी है और पूरी तरह से वो उसी के रंग में रंगा हुआ नज़र भी आ रहा है। इससे पहले उन्होंने क्या किया था कि हार्दिक पटेल ने एक आटे के विज्ञापन जो ट्रेन पे हुआ था उसको, उसका वीडियो ट्वीट किया था, उसको प्रियंका गांधी ने रीट्वीट किया था। इस तरीके से उन्होंने दो ऐसे रेलवे के विज्ञापन से संबंधित या रेलवे की आप कह सकते हैं कि जो अंदर खाने तैयारी चल रही है उससे संबंधित वीडियो को पोस्ट किया, जिससे ये लगा कि वास्तव में सरकार जो है ये सब कर रही है। देखिए, इसलिए भी डाउट बढ़ता है क्योंकि वहाँ इसको लेकर के बहस चल रही है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं अंदर खाने तैयारी चल रही है और प्रियंका गांधी ने जैसे ही ट्वीट और फेसबुक पोस्ट डाला तो फिर तो उस पर चर्चा और बहस होनी स्वाभाविक सी बात है। और उसमें साथ में उन्होंने प्रूफ भी डाला कि ये देख लीजिए इंजन और ये देख लीजिए ट्रेन, एक पे आटे का विज्ञापन और दूसरे पे जो है पूरी ट्रेन ही उसी कंपनी के रंग में रंगी नज़र आ रही है। फिर क्या हुआ, एक PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो सरकार का एक तरह से सूचना विभाग है जो सूचना का आदान प्रदान करता है, मीडिया से कोऑर्डिनेट करता है, उसने अपनी एक फैक्ट चेक टीम भी बना रखी है जो जब भी ऐसी खबरें सरकार से रिलेटेड आती है तो उसका फैक्ट चेक वो करती है। उसने फैक्ट चेक किया और उसके बाद जवाब दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई नाम नहीं लिया, जवाब दिया कि ऐसे ऐसे एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और फेसबुक पोस्ट डाला गया है, आपको बता दें कि इसमें सच्चाई नहीं है, ये भ्रामक है। और वो एक जिस तरीके से एक और विज्ञापन होता है, सामान्य विज्ञापन होता है, वैसे ही रेलवे जो है राजस्व पैदा करने के लिए वो विज्ञापन है जिसको कि रेलवे कर रहा है। तो जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रूफ दिया था उसको PIB फैक्ट चेक ने नकार दिया। अब सवाल यह है कि अडानी विल्मर लिमिटेड है क्या? तो विल्मर जो है सिंगापुर की कंपनी है, एग्रो बिजनेस में ये दोनों मिलकर के ज्वाइंट वेंचर बनाए हुए हैं और ये बहुत बड़ा नाम है। आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं, वाकई में अंदर खाने कुछ तैयारी इसी तरह की है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के दौरान भी लगा कि FCI को बेचने की तैयारी है और उसके लिए पहले से ही ये लोग अपना वेयर हाउस बना रहे हैं जिन निजी हाथों में जाना है। कितना सच है कितना नहीं है तो सरकार ही जान सकती है और उसकी तैयारी जान सकती है क्योंकि अभी तक सरफेस पे ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन जो सरकार की नीति है और जो सरकार समय समय पर स्पष्टीकरण देती रही है सुधार के नाम पर, चाहे ये सरकार हो चाहे इसके पहले वाली सरकार हो, सब कुछ ये जाना तो है ऐसा लग रहा है निजी हाथों में ही। क्योंकि सरकार ने अभी आश्वासन दे दिया कि आपका APMC भी बना रहेगा और आपका जो MSP है वो भी बना रहेगा, लेकिन निजी हाथों के लिए और कॉन्ट्रेक्चुअल खेती के लिए जो उसने व्यवस्था की है उसको वापस लेने को तैयार नहीं है। तो मतलब साफ है, कई जगह पे निजीकरण फायदेमंद का भी फायदे का भी सौदा है और कई जगह पे नुकसान का सौदा है। बहरहाल, रेलवे को बेचने की तैयारी यदि चल रही है तो निश्चित रूप से ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रेलवे ही वो साधन है जो कम पैसे में लोगों को लंबी दूरी तक, खासतौर से गरीबों को, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और जैसे ही वो निजी हाथों में जाएगा, इस बात की आशंका इसलिए भी बनी रहती है कि प्लेटफॉर्म दिए जा चुके हैं सौंदर्यीकरण के नाम पर, अच्छा बनाने के नाम पर, तो ऐसे ही तो धीरे धीरे होता है। जिस रेलवे में 12 से 14 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, बीच में नियुक्तियां रोक दी गई थी, वैकेंसी रोक दी गई थी, उसके बाद से और अटकलें लगने लगी, लेकिन जब युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया तो नियुक्तियों को खोला गया, अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया और फिर जो है एग्जामिनेशन वगैरह कराए जाने लगे, उसका वो डेट शीट वगैरह जारी कर दिया गया, लेकिन कुछ चल रहा है। फिलहाल प्रियंका गांधी का बेशक जो भी उन्होंने पोस्ट किया था उसको फैक्ट चेक के जरिए भ्रामक साबित कर दिया गया है, लेकिन
लेकिन ये नज़र रहेगी इस पे कि असलियत क्या निकल करके आती है, थोड़ा समय लगेगा। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।